यार तुम लोग मुझे सिर्फ मेरा खून जलाते रहते हो तो यार मत किया करो यार ऐसा। और इतने शरारती हो गए ना। हट जाओ फेस, सर पे लग जाएगा। हट जाओ, क्या चाह रहे हो तुम लोग? रख दो यार इसको, ऐसी मारूंगा गले में बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा गले में ना, फिर तुम बजाते ही रहना इसको। अरे मछलियाँ मेरे हाथ पे काट रही है, ये देखें। फटाफट मैं कोई भी दिन निकालता हूँ और जाता हूँ इनके लिए। यार ये फिश लेके आऊंगा, इधर कितनी खूबसूरत लगेंगी एंजल फिश चलती हुई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप लोग? यार आप लोगों से ये शिकायत है यार, लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का? यार लाइक कर दिया करें ना यार वीडियो को, वीडियो भी पूरी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, मगर आप लोग लाइक नहीं करते यार वीडियो को। सिर्फ एक लाइक का बटन दबाने में क्या है, आपका कोई खर्चा भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ लाइक कर दिया करें यार। जल्दी से जाए इसको लाइक करें यार, आज मैं आपको इतना जबरदस्त ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, इसके लिए बस सिर्फ लाइक कर दें। और आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा, जल्दी से जाए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताया करें यार हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अभी का सीन ये है कि पहले तो भाई यार इन सबको मैंने खोल दिया, चूजों को, बटेरों को और अपने कबूतरों को खोल दिया यहाँ पे, और अनकरीब हम इंशाल्लाह और भी चीजें लेके आने वाले हैं माशाल्लाह से। फिर से इन्होंने अंडे दिए। यार तुम लोग मुझे सिर्फ मेरा खून जलाते रहते हो तो यार मत किया करो यार ऐसा। तुम लोग अंडे देते हो, तोड़ देते हो, फिर उसके बाद जो है ना यही हरकतें करते रहते हो तुम लोग। और अब मुझे लगता है थोड़े दिन बाद ये भी तोड़ देंगे, बस ये मेरा खून जलाने के लिए मुझे लगता है किसी ने मेरे पास भेजे हुए इनको कि जाओ इसका जाके खून जलाओ। यार चलो ठीक है, मैं करीब आता था इससे अंडे तोड़ के फेंक देते ना, अब मैं करीब भी नहीं जा रहा। मैंने कहा भाई छोड़ ही दो इनको इसी तरह। यार चूजे रोज इनकी जो है ट्रे साफ करनी पड़ती है, इतना खराब करते हैं यार चूजे और बटेर मिलके। ये देखो चूजे क्या हरकतें करते रहते हो, हैं क्या मसला है तुम्हारे साथ, हैं क्या हो गया? यार माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी हो गए, माशाल्लाह 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 भाई नजर ना लगे। और इतने शरारती हो गए ना कि मैं बता नहीं सकता। ये इनको तो भाई खोलना और उसके बाद इनकी तबाही मचाना शुरू करते, इनको बस सिर्फ खोलो और ये तबाही फेरना शुरू। अरे बटेर को क्या हो रहा है, बटेर क्या हो गया, क्या हो गया? चूजा हमारे पता क्या करता है, उनके पिंजरे में भागता हुआ जाएगा और जैसे ही वो गुस्से में आएंगे ना भाग के वापस बाहर आ जाएगा। जाओ 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 जाओ। बहुत फंटर हो तुम लोग, बहुत तेज हो, पता है तुम्हें। जाओ जाओ ना, जाओ उसके पिंजरे में, जरा पिटके तो आओ, कैसा लगते हो पिटते हुए, जरा देखना है हमें। प्यारे लगते हो ना पिटते हुए तुम उससे। आप लोगों ने जब तक बताया तो भाई ये वो है कि बीटा फिश जो है ना वो मर गई है हमारी, ये बीटा फिश यहाँ पे मरी हुई है। तो बीटा को जो फीमेल बची है ना, अब इसको हम इसी में डाल देंगे, मगर अब इसको हम वॉश कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि इसमें अंडे हैं या जो भी है, अगर हैं भी तो खैर है यार, क्योंकि पानी बहुत खराब हो रहा है इसकी वजह से ये मछलियाँ मर रही थी। उसको हम देखते हैं इधर रखना है या इधर रखना है या इधर रखना है, जहाँ भी रखना है वो देखते हैं हम। भाई बीटा फिश तो यहाँ पे भी लड़ रही है सबसे, तो हम ट्राई करते हैं इसमें डालने के, अगर इसमें रह लेती है ठीक है, नहीं रहती वैसे तो इसमें भी नहीं रहेगी। तो हमने ये इसका जो फिश टैंक है छोटा वाला ये हमने रेडी कर दिया है, पानी थोड़ा सा गर्म है, ये भी ठंडा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे इसको। ये देखे मैं अपनी फिश के लिए क्या लेके आया हूँ भाई, पूरी भरी हुई ट्रे है, इतनी ज्यादा ट्रे है, ये इनके इसमें डालेंगे। इसमें जो है वो स्नेल और क्या कुछ है भाई, बहुत कुछ है इसमें। और मैं अपने छोटे फिश टैंक के लिए जो है ना इनके लिए और इनके लिए ये लेके आया हूँ। यार इसमें तो काई खत्म नहीं हो रही, मैं यार लाऊंगा भाई। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बोल रहे हैं टर्टल्स लाने के लिए और एंजल फिश लाने के लिए, वो मैं सब जरूर जरूर लेके आऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले। बस थोड़ा सा भाई फायरिंग होने का वेट कर रहा हूँ, जॉब से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, उससे थोड़ा सा टाइम जैसे ही मिलता है मैं फौरन लेके आऊंगा भाई। मैं ये जो हमारी फिश मर गई थी ना, मैंने इसका देखे पूरा पानी वानी सब साफ कर दिया ताकि यार इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाए। इसको हमने ट्राई किया था इसमें डाल के देखने के लिए, मगर इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी तो भाई निकाल दिया मैंने, वापस से इसी में डाल दिया। पहले हम चल के इनको धो लेते अच्छे से, क्योंकि यार इसमें बहुत मट्टी होती है। इन पत्थरों को तो मैं इसी में ही रख के ही धो लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही धो लेता हूँ और फिर इसको जाली को खोल के और मैं मछलियों के इसमें एक्वेरियम में डाल दूंगा। तो भाई धो लेते हैं यार, ये लगेंगे बहुत प्यारे यार, तो वो देखेंगे यार कैसे लगते हैं, अगर ये अच्छे लगे तो फिर यार और ला के रख देंगे ऐसे ना। इनको तो मैंने धो दिया, तो काम करते हैं जो छोटे पत्थर है ना वो हम डालते हैं इस वाले में। आ जाओ फिश, तुम लोगों के लिए देखो मैं क्या चीज लेके आया हूँ, ये लो बड़े बड़े पत्थर खाओ तुम लोग।
माशाल्लाह यार इनका साइज मुझे देख के खुशी हो रही है यार, इतना अच्छा साइज हो गया। कल इन लोगों ने क्या किया, मैंने जैसे ही ये खोला ना, मैं इनके पत्थरों का पानी सही कर रहा था, एक मछली ने जंप मारी इसके अंदर चली गई, जैसी इसके अंदर गिरी है ना भाई, गिरते के साथ ही इन लोगों ने हमला किया और खा गए उसको, एक सेकंड लगाया खाने में। और उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि उसने जो जंप मारी है ना वो यहाँ से इसमें गई है डायरेक्ट, उसकी किस्मत पता नहीं यार, उसकी शायद मौत लिखी ऐसी थी कि वो जाके मछली के मुंह में। और इन लोगों ने तो एक सेकंड नहीं छोड़ा, बस ये गिरा है मेरे देखते देखते इन लोगों ने पकड़ा और खा गए, पूरा का पूरा खा गए। और ये कौन सी खाई, इन मछलियों ने खाई है जो मूली फिश है, इनके फिश एक्वेरियम में डाल देते हैं ज्यादा पत्ता ना। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये देख लेते हैं, हट जाओ फिश, सर पे लग जाएगा, हट जाओ ये हट जाओ, क्या चाह रहे हो तुम लोग। तो भाई ये इस तरह से लग रहे हैं, पानी मैंने भी थोड़ा साफ किया है, पता नहीं यार फिर वो काई आ गई थी यार, वो मैं लेके आऊंगा, वो जो क्लीनिंग वाली फिश होती है ना वो मैं लेके आऊंगा यार, जैसी टाइम मिलता है मैं वो लेके आता हूँ। अब टाइम है भाई इसको धो के, क्योंकि इसके अंदर यार मट्टी बहुत है, सबसे ज्यादा इसके अंदर मट्टी है, मगर इसके अंदर क्या क्या चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई। तो अभी इसको खोलते हैं और उसमें डालते हैं जाली में और इसको साफ करते हैं, धोते हैं। ओ भाई साहब ये देखे क्या क्या मिला इसमें से यार, कितने फिट है, अरे पागल गंदे है, अभी मट्टी लगी हुई है यार, जहन क्या हरकत करते रहते हो, वो ये होता है इसमें सीटी निकलती है। अरे ये क्या है भाई, अजीब ही चक्कर हो गया, मगर यार इसमें देखें आप यार क्या क्या जबरदस्त चीजें मौजूद है यार, ये देखें ये तो। ओ हो हो हाँ, अरे वाह यार, ये तो पेपर, अच्छा नीचे, ओए नीचे तो और भी है, छोटी 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 पीस, सॉरी वाह यार ये तो अच्छा है यार। चलो 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 भाई इसमें डाल दो यार फटाफट, यार थोड़ा सारा इसमें डाल दो ताकि यार मैं इनको पूरे को धो लूं, सारा इसमें डाल दो देन जल्दी 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 ये लो। चलो देन ने अब चीजें चुराना शुरू कर ली हैं, हर तरह की सीप है यार, हर तरह की, पागल हो क्या बजा रहे हो, इसमें से थोड़ी बाजा थोड़ी होता, रख दो यार इसको, ऐसी मारूंगा गले में बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा गले में ना, फिर तुम बजाते ही रहना इसको। चलो यार इसको धोना है यार मुझे, जैन काम करने दो मुझे, वापस एक तो जो उठाया है ना इसके अंदर ना यार बहुत ही मट्टी है, बहुत ज्यादा ही मट्टी भरी हुई है यार, इसको मुझे बहुत अच्छे से ही धोना पड़ेगा, एक एक पीस को अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि यार मट्टी मेरा ख्याल है कहीं ये समंदर की अगर वो हुआ तो मट्टी हुई तो फिर तो शायद मुझे लगता है सारी मछलियां मर जाएंगी, मगर जिसने जिससे ये लिया उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, इसको सिर्फ अच्छे से धो और उसके बाद डाल दो फिश एक्वेरियम में, अच्छे लगेंगे। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और अब टाइम है इनको इन फिश एक्वेरियम में डालने का, तो जो छोटे वाले हैं ना वो हम डालेंगे छोटे वाले एक्वेरियम में और कुछ डाल देंगे इसके पास और कुछ इनके पास और बाकी सब इनके पास, क्योंकि यार इस फिश एक्वेरियम में ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, तो ये इनको जरा छुपने की भी जगह मिल जाएगी, ये जगह अच्छी खासी है इसके अंदर, देखें आप तो बच्चे शायद मेरे ख्याल है इसके अंदर जाके छुप भी सकते हैं आराम से, बहुत सारी जगह है यार इनके लिए बच्चों के लिए, तो ये वाले जो बड़े हैं ना वो सारे हम इसमें ही डालेंगे। चले भाई हमारे जो बेबी फिश है ना उनके लिए हम ये वाले इसमें डाल देते हैं। चलो भाई आ जाओ फिश, ये लो ये लो ये लो, तुम लोगों के लिए देखो क्या लेके आए हैं, देखो किसी के सर पे अगर गिरे तो सॉरी, हाँ नाराज नहीं होना मछलियों। तो यार इनके इसमें ये डाल दिए हैं, अब देखें ये कैसे लगते हैं, ये देखते हैं करीब से, यार अच्छे लग रहे हैं यार ये, और इनके लिए जो ना थोड़ी छुपने की जगह भी मिल गई, वैसे छुपेंगे किससे मतलब, फिर भी इनको जगह मिल गई है छुपने के लिए, थोड़े बहुत मैंने सोचा यार इनके पास भी डाल ही दूं, अकेली मछलियां बेचारी, ये लो तुम भी इंजॉय कर लो, थोड़ी सी चीजें अपने पास रख लो ठीक है। अरे ये ऊपर क्यों आ गया, आ जा जा भाई जा। ओके भाई ये थोड़े से इसमें डाल दिए हैं, अब बाकी जो है ना वो अब इसमें डालते हैं। चलो भाई थोड़े बहुत जो है ना ये जहन डालेगा, जहन डालो मगर ज्यादा नहीं डालना, जहन कोशिश करो अच्छे अच्छे खूबसूरत, जरूरी नहीं है सारे डालना, वह जो अच्छे लग रहे हैं ना वो इसमें डाल दो थोड़े बहुत ना, ये वैसे मैंने रेड वाला सोचा था, अच्छा हाँ चलो चलो सही है डाल दो डाल, पलटा के रख दो देख के, अरे मछली जंप आ रही है, बोले क्या फेंक दिया हमारे पीछे एरियम में, हाँ ज्यादा चीजें डालो, थोड़ी ज्यादा डाल दो, भर के डाल दो, हाँ ये पूरा डाल दो ऐसे बिखेर दो, वाह भाई ये अच्छा हो गया, मगर फिश के लिए चलने के लिए जगह कम ना पड़ जाए कहीं है ना, डाल दो यार थोड़े से संभाल के रखो सर, जब हम दूसरा एक्वेरियम लाएंगे ना उसके उसके में काम आएगा, तो बस ये हम रख देते हैं, हम दूसरे जो फिश एक्वेरियम लेके आएंगे ना उसमें डालेंगे इसको, अब हम इनको ना इसमें डाल देते हैं, तो ये तो रेल होते हैं ना, ये तो ओरिजिनल ही होते हैं सारे, ये प्लास्टिक थोड़ी हम बनाएंगे, ये कांच के ना, ये समुद्रों से जो मिलते हैं ना ये वो ही है, अब तुम चल समुद्र, ये देखो ये बोला तो अंदर, ये सन जी तो देखो याद हमने वहाँ पे कराची में देखा था बीच पे, इसके अंदर वो होता है ना स्नेल, क्या कहते हैं जी, अब ये स्टार्ट करते हैं, ये डाल दो, छुप भी सकते
प्रैक्टिकल है होंगे तो। मैंने पहले ये बताया, मैंने कहा यार ये अच्छा रहेगा मछलियों के बच्चों को छुपने के लिए, मगर इसको ऐसे फेंक के नहीं डाल सकते, ये देखो इसके अंदर पानी भर जाता है, ऐसे पूरा हिलाना पड़ेगा इसको ताकि, अरे मछलियाँ मेरे हाथ पे काट रही है, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, हाँ और बस फेंक दो ऐसे करके, यूँ फेंक दो बस, छोड़ दो इसको, मुझे लगता है सही करके रखना पड़ेगा, छोड़ दो अंदर, हाँ ऐसी और भी छोड़ दो, छोड़ दो बाबा, अभी तो वो पूरा सेट करके रखेगी ना, अभी तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ सिर्फ डाल दो ऐसे, बस ये पानी इसमें से निकाल दो ताकि जो है नीचे, हाँ किसी मछली के सर पे ना गिरे, यादाश्त चल जाएगी, वो बोले की भाई आका घूम रही, मुझे तो पिंजरे में डालो, तो के साथ रहूंगी मैं, यार ये डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो सब डाल दो, बबल्स निकलने अभी भी डाल दे आराम से पानी, चलो बस, अरे वैसे ये अच्छी जगह पे रख गए, आ जाओ मछलियों हाथ काटो, मेरा काट ये देखो ये देखो ये देखो, अभी देखना मेरे हाथ पे काटेंगी, आके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी के भी नहीं काट रही, ये क्या कर रहे हो नाटक, खाना दिखा के और फिर उसके बाद हाथ पकड़ाओगे, अरे उसके तो पानी में चले जाए, नहीं काट रही यार बेइज्जती हो गई, छोड़ रहे आप लोग कोई बात नहीं, क्लिप तो डालेंगे, तो इसकी मैं अभी पूरी प्रॉपर सेटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भाई फाइनल लुक लग कैसे रही है, अभी यार थोड़ा सेट करके रखना पड़ेगा, ये तो अभी सिर्फ ऐसी बिखर गए हैं बस, ऐसी फेंक दे, तो ऐसा लग रहा है तबाही मच गई इनके एक्वेरियम में, तो ये पूरा भी प्रॉपर सेट करके रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी जो फाइनल लुक है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आ गई सारे फिश एक्वेरियम की फाइनल लुक, इसकी भी ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले भी, और ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल के लग रहे हैं यार, मैंने क्या किया सीप के अंदर ना मोतियां रख होती है ना वैसे तो मैंने क्या किया इसके अंदर कंचे रख दिए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मोतिया है, तो यार ये बहुत अच्छा लग रहा है यार, अब हम इनके लिए ना फिश यहाँ पे लेके आने की तैयारी करते हैं, बस अब यार अब तो मुझसे भी सबर नहीं हो रहा, फटाफट मैं कोई भी दिन निकालता हूँ और जाता हूँ इनके लिए यार ये फिश लेके आऊंगा, इधर कितनी खूबसूरत लगेंगी एंजल फिश चलती हुई, और उसपे ब्लैक कलर का पीछे मैंने सोचा है ब्लैक जो है ना वो वॉल पेपर ब्लैक कर दूंगा, तो बहुत ही कोई खूबसूरत लगेगा, अगर ये ब्लैक मुझे मिल गया तो मैं ये लेके आऊंगा, तो अभी ये देखे इतना अच्छा लग रहा है ना, पूरी ऐसा लग रहा है ओरिजिनल सीप जो है ना वो इधर घूमती फिर रही है, जैसे एप्पल स्नेल होता है या दूसरे स्नेल होते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से, और फिश भी खुश हो रही है, कोई फिश यहाँ घुस के इधर से आ रही है, इधर घूम रही है इधर घूम रही है, तो ये लोग खुश हो गए, और अपने छोटे वाली इसमें भी एक्वेरियम में भी हमने ये रख दी है, देखिए थोड़े से डाले क्योंकि उस बेचारी अकेली है ना वो क्या करेगी इतने सारे इससे, तो मैंने कहा बस खेलती रहेगी, मगर अकेले के लिए बस इतना काफी थे, ये देख ले भाई तीनों एक्वेरियम फुल सजा दिए अंदर सारी चीजें इसके अंदर जो है ना मैंने भर दी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब चलते हैं यार अपने कबूतरों और तोतों की तरफ, यार उनको भी यार फटाफट खाना वगैरह डाल तो दिया मैंने, उनकी थोड़ी सफाई बाकी है वो कर देते हैं, और उसके बाद इनको हम बंद करेंगे, फिर उसके बाद शाम में दोबारा इनको खोल देंगे, तो चले बाहर चलते हैं। अटेर तुम्हारा क्या फायदा, तुम लोगों को मैंने खोला हुआ है ना तो तुम लोग क्यों बंद होके बैठ जाओ, तो समझ नहीं आ रहा, कबूतर भी इसी तरह करते हैं, पिंजरा खोलो 5 मिनट बाहर आएंगे उसको वापस अंदर जाके बैठ जाएंगे, पता नहीं ऐसी क्यों करते रहते हैं, समझ से बाहर है, तो तुम लोगों को खोले, और ये देखा मैं तुम दोनों को पिटाई कर दूंगा, चूजो तुम दोनों तंग करते हो उसको, यार ये लोग कबूतरों को तंग करते हैं, उसको जाके चोंच मारेंगे, उसके पाँव पे चोंच मारते रहेंगे तो वो फिर मारेगा ना गुस्से में, तो ये हर दफा इसके साथ भी जाके यही करते हैं, मैं इनको फिर अलग अलग ही खोलता हूँ, चूजे के मुंह में बाल फंसा हुआ है, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, क्या खाया हुआ तुमने, अरे है क्या है तुम्हारे मुंह में बाल फंसा हुआ है चूजे, तुम्हें पता नहीं चलता क्या क्या खा रहे हो, यार मैं इसके ये बाल निकालू कहाँ से आ गया, इधर से रुको छोड़ो छोड़ो, ये देखो क्या हो चूजे तुम ना, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, यार जल्दी से लाइक तो करो यार, लाइक कर दो जल्दी अभी फौरन लाइक करो यार, 1 सेकंड नहीं लगाना, जल्दी से लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो भाई, प्लीज कर दिया करो यार, ना किया करो इस तरह, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कौन सा तुम्हारा बिल आ रहा है यार, कौन से पैसे लग रहे, जल्दी से लाइक करो शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। We'll be right back.